युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल। ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, ये सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशि। आज 6 दिसंबर 2019 दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज नवमी तिथि सुबह 4:15 बजे तक रहेगी और उसके पश्चात दशमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:51 से लेकर 12:32 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 10:55 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आइए अब जानते हैं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि का आज का राशिफल। आज आपके व्यापार में कुछ पेचीदा मुद्दे आपके सामने आ सकते हैं, परंतु अपने बुद्धि के बल पर आप उन सभी का हल आज कर लेंगे। यदि आप अपने करियर में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक नई नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी उसके लिए समय शुभ नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आप ना तो इधर के रह जाएं और ना ही उधर के, आपकी नौकरी भी छूट जाए और आपको नई नौकरी भी ना मिले, जिस कारण आपको घर पर खाली बैठना पड़ जाए। इसलिए अभी कुछ समय के लिए आप इस विचार को अपने मन से निकाल दें। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर या ईमेल के माध्यम से या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से या गुरु मां रुक्मणी जी से या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनिपीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञ महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते हैं। आज आपका अपने परिवार के साथ किसी छुट्टी पर जाने का प्लान बन सकता है। समाज में आज आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने की संभावनाएं बनी हुई। यदि आज आप किसी परेशानी में फंसे हुए हैं तो उसमें आपके मित्रों की सलाह आज आपकी परेशानी का हल कर सकती है। आज आपको ध्यान रखना है कि आपका खर्चा अधिक ना हो जाए, क्योंकि आज इसकी वजह से महीने का अंत आने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डगमगा सकती है। आज आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपको आज डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ जाए, जिसमें आपका समय और धन दोनों आज बर्बाद हो जाए। मिथुन राशि वालों, अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है या आप नौकरी की वजह से परेशान हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पुखराज की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं
गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए भक्तगणों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चमत्कारी उपाय जिसे करने से आज आप बुध देवता को प्रसन्न करके उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति कपड़ों से संबंधित कोई कार्य करते हों या म्यूजिक से संबंध रखते हों या अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य करते हों जिसमें बोलने चालने की आवश्यकता पड़ती हो, तो उसमें आज बुध देवता के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर आपकी वाणी में ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे आप सभी को इम्प्रेस कर पाने में सफल हो। आज बुध देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सै बुद्धाय नमः। यह बुध देवता का बीज मंत्र है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करें और अपनी निष्ठा से चाहे 21 बार हो, 51 बार हो या 108 बार हो, इस मंत्र का जप करें। मैं आपके लिए दोबारा इस मंत्र को दोहराने जा रहा हूं। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सै बुद्धाय नमः। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुब्रतो है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ और काम का सिलसिले में मैं रहता हूँ गुवाहाटी में। तो मैं तो पहले पूरा जीरो होके रखा था, मेरा ना ही कुछ काम बन रहा था। मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था। तो मैं यूट्यूब देखता था, तो एक दिन ऐसे सर्च करते करते गुरु माँ को मैं देखा और हाथों हाथ में उनसे कॉन्टेक्ट किया। तो उन्होंने हमको बोला कि ऐसे ऐसे उपाय करना पड़ेगा, तो मैंने किया। देखिए आप लोग, मैंने अपना हाथों में ये गुरु माँ ने जो अंगूठी दिया था वो मैं पहन के रखा हूँ। 22 डेज में मेरे को अभी, मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। मैं अभी अच्छे से लाइफ जी पा रहा हूँ, मेरा काम भी अच्छे से सही चल रहा है, अभी कोई टेंशन नहीं है। और मैं आप लोगों को भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग आराम से ये अच्छा कर सकते हैं। तब एक बार कम से कम गुरु माँ या गुरु जी से आप संपर्क कर लीजिए, उसके बाद देखिए आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। जय शनिदेव। थैंक यू गुरु माँ, लव यू। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।